तो ये है भैया गुप्तकालीन युग में बना ईंटों का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण गुप्त साम्राज्य के समय 5वीं शताब्दी में किया गया था। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आप है कानपुर के घुमक्कल लौंडे के साथ। तो भैया अपने पुत्तन भैया ने भैया एक जगह बताई है बहुत गजब की, समझे हो, अपने कानपुर में है और हमको पता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, अपने भीतर गांव में एक गुप्तकालीन मंदिर है जिसके बारे में किताबों में पढ़ते थे पहले। क्या बात है? उसी में देखा है भैया, मगर आज सामने देखने चल रहे हैं। तो चलो भैया, हम दिखाते हैं मंदिर। हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हमारे साथ भाई मंगल भाई हैं, दोनों लोग हम लोग चल रहे हैं, समझे हो। पहले मंगल भैया को दिखाते हैं। वो देखो खड़े हैं मंगल भाई, नहरिया किनारे खड़े हैं, नज़ारा ले रहे हैं। तो भैया चलिए आपको दिखाते हैं गुप्तकालीन मंदिर। तो भैया देखने में बड़ा मज़ा आएगा, हम देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ चलते हैं। चल 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 चल। तो भैया अब हम लोग चलते चलते आ गए बिदनू मार्ग पे। दिखाते हैं सड़क कैसी है बिदनू की। ये देखिए भैया, ये है बिदनू की सड़क। भैया अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। खुदाई चल रही है। हड़हा, ये है हड़हा। ये देखिए हाईवे में सर्कस हो रहा है। देखिए गांव का दृश्य क्या गजब का दिख रहा है, खेती खेत। देखिए ट्रैक्टर चल रहे हैं। अब आ गए हृदयपुर। दिल्ली में दिल है तो यहाँ पे भैया हृदय है। भैया हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर अभी और है। तो एक पतली सी सड़क है, चल रहे हैं। बगल में क्या है, ये छोटा सा बम्बा टाइप का है, दिखाते हैं आपको। पेड़ ही पेड़ है आम का। ट्रैक्टर जा रहा है खेत जोत के। सड़क में चलने में बड़ा मजा आ रहा है भाई, सही बता रहे हैं, मस्त लग रहा है, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। जो एकदम अलग अलग मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, मिट्टी की और पेड़ पौधे की, बड़ी मजा आ रही है। और साथ में इंसानों की टट्टी की भी महक आ रही है। बकरी है। तो भैया भीतर गांव बहुत भीतर है भैया, अंदर चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, बहुत भीतर आ गए। तो भैया हम लोग भीतर गांव में एंट्री कर चुके हैं, चलिए अब मंदिर ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो भैया हम लोग गूगल अम्मा की मदद लेते हुए यहाँ तक आए हैं। गूगल अम्मा ने देखो कौन सी सड़क दिखाई हम लोग को, ये मोड़ दिखाया है गूगल अम्मा ने। In 300 meters, turn left onto Gautampur Road. देखो बक बक आ रही हैं। ये देखो भैया मंदिर यहीं से दिखाई दे रहा है। भैया सवेरे सवेरे निकल आए हम लोग, कुछ खाया है नहीं, तो मंगल भाई बोल रहे पहले कुछ खा लिए फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर में। भैया ये देखिए भीतर गांव का मेन बाजार है ये।
भैया हम लोग यहीं आ गए एक होटल में, समोसे निकल रहे हैं, निकलते हैं तो फिर लेते हैं। तो समोसा भैया मेरे हाथ में आ गया है, चलिए अब खाते हैं। पांक। समोसे खाने के बाद ले लिया जलेबी, जलेबी खा रहे हैं। तो भैया अपनी पेट पूजा हो गई है, अब चल रहे हैं मंदिर की ओर। तो ये है भैया गुप्तकालीन युग में बना ईंटों का प्राचीन मंदिर, चलिए आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं कैसा लगता है। तो भैया मंदिर का जो वास्तविक शिखर है 40 फीट ऊंचा है। खुदाई के दौरान जब मंदिर प्राप्त हुआ तो कुछ इस प्रकार का था, फिर उसके बाद रिपेयर करके इसको इस तरह किया गया। तो भैया ये पक्की ईंटों का शिखर वाला पहला मंदिर है। भैया ये जो भीतर गांव का मंदिर है ये छोटी सी जगह में बना हुआ है, इसके चारों ओर बाउंड्री है। मंदिर के गेट पे ताला लगा हुआ है। अंदर झांक कर देखने पर पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। तो भैया 1877 में भीतर गांव के अंदर रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए सर्वे का काम चल रहा था। तो भैया ये पहले टीला हुआ करता था, तो यहाँ पे सर्वेक्षण अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम आए, तो उन्होंने देखा ये टीला देखा तो भैया गांव के लोगों से खुदाई करवाई, तो अंदर भैया पता चला कि मंदिर है ये। तो भैया उसके बाद लोक निर्माण विभाग में उल्लेख कराने के लिए कई पत्र लिखे गए, मगर किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो 1908 में उच्च अधिकारी बने, तो उन्होंने इस जगह को संरक्षित स्मारक घोषित किया। मंदिर का जो ऊपरी भाग है 1850 में बिजली गिरने से नष्ट हो गया था। मंदिर की दीवारें शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाई गई हैं। अच्छी मूर्तियां बनी है, हर मूर्ति अधूरी है, पूरी किसी में नहीं है, देख सकते हैं आप। इस मंदिर का निर्माण गुप्त साम्राज्य के समय 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो भैया अगर आप भी यहाँ मंदिर घूमने आना चाहते हो तो भैया ये घाटमपुर के भीतर गांव में स्थित है, तो आप यहीं चले आना, गूगल मैप में सर्च करोगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। हम हूँ भैया गूगल अम्मा की मदद से आए हैं यहाँ पे। देख सकते कितना खूबसूरत लगता है मंदिर। तो भैया मंदिर से निकलने से पहले हम लोग ने रजिस्टर में एंट्री करा दी, फिर वहां से घर की ओर निकल लिए। तो भैया यही था अपने भीतर गांव में स्थित गुप्तकालीन मंदिर की वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल का भैया एकदम गुप्तकालीन गुम्मा उठा के एकदम सब्सक्राइब मार दो।
मिल रहे हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भाई ये तो खत्म हो गया यार, चालू करो बे। संडे को मस्त नहा धो के आ।